हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन का तीसरा और आखिरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस और सर्कुलर मोशन, इस पार्ट को कवर करेंगे। देखिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड हमें यह बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो कितना स्लो मूव कर रहा है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताती है स्पीड कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्पीड मोशन की जानकारी तो देती है, लेकिन उतनी एक्यूरेट नहीं देती जितनी एक्यूरेसी से आप वेलोसिटी पता कर सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी आपको एक तो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, साथ ही साथ वो आपको ये भी बताता है कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट का मोशन समझने के लिए। तो वेलोसिटी की हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो बेसिकली वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी भी स्पीड ही है, बस स्पीड में आप डायरेक्शन ऐड कर दीजिए तो आपको वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, वेयर एज टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी स्पीड की ऐसा यूनिट की वाली होती है, यानी कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी होती है मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस और ये होता है कि स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसा कि आपने देखा, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो सिर्फ ये बताता है। लेकिन डायरेक्शन आपको वेलोसिटी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, वो कितना स्लो या कितना फास्ट मूव कर रहा है, ऑल्सो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जो वेलोसिटी होती है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं तो या तो आप उसकी स्पीड चेंज कर दीजिए, या तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या तो आप उसका ये दोनों चीज़ें ही चेंज कर दीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें चेंज कर दिया, इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज कर देते हैं तो आपकी वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है, फिर वो एक्सेलरेशन में कहलाता है। उसको भी हम आगे इस चैप्टर में लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट की ना स्पीड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, तब क्या, तब वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। आइए मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। वही बात है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताई, कि पूरी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट की ना स्पीड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी कहलाती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड और वेलोसिटी को और अच्छे से डिफरेंस समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा घर है और ये ग्रोसरी शॉप है, और इस घर से ग्रोसरी शॉप की जो डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। इस घर से इस ग्रोसरी शॉप की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स है, और मुझे मान लीजिए इस घर से इस ग्रोसरी शॉप तक जाने में मुझे टाइम लग जाता है 2 घंटे, 2 आवर्स मुझे टाइम लग जाता है 2 घंटे। अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि आप इसकी स्पीड निकाल के दिखाइए, तो आप स्पीड बताएंगे कि जो स्पीड है वो है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने घर से ग्रोसरी शॉप जाते वक्त 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है मेरी, और टाइम मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे लगे हैं, मतलब मेरी स्पीड निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। गुड। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे इसकी वेलोसिटी निकाल के दिखाइए। देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, यानी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर, और टाइम इसको अभी भी वही लगा है 2 घंटा। तो आपने जैसा कि देखा कि जो वेलोसिटी थी वो भी निकल के आई 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी भी 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कब हो जाता है, जब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ग्रोसरी शॉप जाइए और वहाँ से आप वापस आइए, तब क्या होता है।
अगर आप रिटर्न जर्नी की भी बात करें तो अगर अब आपके मैं स्पीड निकालने को बोलूं रिटर्न जर्नी की भी, तो आप 10 किलोमीटर गए थे और 10 किलोमीटर वापस आए हैं, टोटल आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो हो गई है 20 किलोमीटर। तो अब आपकी डिस्टेंस हो गई है 20 किलोमीटर और आपको 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, आपको टोटल टाइम लग गया है 4 घंटे। जब आप इस दोनों को काटेंगे तो आएगा आपका आंसर अगेन 5 किलोमीटर पर आवर, यह आपकी स्पीड निकल गई। अब यही चीज़ मैं अगर आपसे बोलूं कि आप वेलोसिटी निकाल के दिखाइए, तो देखिएगा आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वहाँ गए और आप वापस आए। अगर अब आपकी डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वापस अपनी वहीं आ गए हैं, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो होगी 0 किलोमीटर की आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। टाइम भले ही आपको 2 घंटे जाने के लगे, 2 घंटे आने के लगे, 4 घंटे लगे, लेकिन 0 अपॉन समथिंग आंसर होगा 0 किलोमीटर पर आवर। आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई 0 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इन दैट केस द स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, then in that case speed and velocity are different from each other। अभी यहाँ पे आपने देखा स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा था, मैं वापस आया हूँ, इसलिए इस केस में स्पीड अलग आई है और वेलोसिटी अलग आई है। आई होप अब आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं वेलोसिटी का एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ और स्पीड का भी, ताकि आपको और ये चीज़ें समझ में आए। ये न्यूमेरिकल कहता है अब अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होना है। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। ठीक, वो कह रहा है अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ जाना है आपको दिल्ली टू जयपुर, ये दिल्ली है मान लीजिए, यहाँ पे दिल्ली बना देता हूँ मैं और यहाँ पे जयपुर है। अब बस कवर्स 250 किलोमीटर्स, बस ने कवर किया है 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट। देखिए हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ जाने की 250 किलोमीटर की जर्नी को करने में 5 घंटे लगे हैं, ये बात उसने लिखी है इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग। अच्छा, वो बस वहाँ जाने के बाद वहाँ से वापस भी आ रही है, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिटर्न्स वर्ड को लिखा गया है, मतलब बस वापस आ रही है। ठीक है, हमें निकालना है कि आप बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस ने एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो दिल्ली टू जयपुर, देन अगेन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली 250 किलोमीटर्स अप 250 किलोमीटर्स डाउन, मतलब टोटल जर्नी हो जाएगी इसकी 250 प्लस 250 500 किलोमीटर्स। टाइम की बात करें तो 5 किलोमीटर अप 5 किलोमीटर डाउन, यानी कि टाइम भी हो जाएगा इसका 10 आवर्स। ये हो जाएगा 500 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 50। स्पीड है इसलिए इसकी ऐसा यूनिट हम निकालेंगे किलोमीटर पर आर में, अभी हम आंसर लिखेंगे क्योंकि हमें डाटा जो किलोमीटर में था और आंसर टाइम हमारा आर में था। ये रही इसकी एवरेज स्पीड की बात। अब मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आप जयपुर गए और आप वापस दिल्ली आ गए, मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इन दैट केस आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। टाइम भले ही आपको 5 जाने में लगा 5 आने में लगा 5 प्लस 5, लेकिन 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, इसलिए आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0, वेयर एज एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। अगर आप स्पीड और डायरेक्शन को दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, तो उस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको हम फिर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सेलरेशन सिखाऊं
आप ये छोटी सी क्लिप देखिए जिसको हम यूज करेंगे आने वाले हमारे एग्जांपल्स में। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, वीडियो के जब स्टार्ट होता है, जब वो रेस स्टार्ट होती है तब चीता लीड पे होता है, लेकिन जैसे जैसे वो रेस खत्म होती जाती है, वो लीड खत्म होती जाती है और जो चीता है वो रेस हार जाता है और F1 जो कार है वो रेस जीत जाती है। ऐसा क्यों होता है ये आप समझेंगे जब आपको एक्सेलरेशन समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन से मेरा कहने का मतलब है, जैसा आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन के जस्ट सामने है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, और क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है और टाइम नीचे है इसलिए मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली और इनवर्सली का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा। वेयर एज इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, या अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। चीता ने शुरुआत में लीड क्यों ली? एक्चुअली चीता ने लीड इसलिए ली क्योंकि चीता जो होता है वो 0 to 100 की जो उसकी स्पीड होती है उसको वो 3 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। ये चीज़ और कोई ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट में अभी तक हम नहीं कर पाए हैं जो रोड पे चलने वाला है, फ्रिक्शन वगैरह के कारण वो सब इतना अटेंड करना मुश्किल है। ऑल्दो आप एरोप्लेन वगैरह से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन होने के कारण जो चीज़ें रोड पे चलती हैं उनको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज इतने कम टाइम में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जैसा आपने देखा कि जो चीता है वो ये जो उसका चेंज है वो कम टाइम में कर लेता है, इसलिए चीता की ज़्यादा शुरुआत में लीड थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है गाड़ी भी धीमे धीमे करके स्पीड पकड़ने लगती है, और फिर गाड़ी भी उस स्पीड को उस रेट को मैच कर लेती है जिस रेट पे चीता था, और उससे इनफैक्ट आगे भी बढ़ जाती है, इसलिए रेस खत्म होने तक गाड़ी उस चीते को हरा देती है। तो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन का जैसा फॉर्मूला समझ में आया होगा, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर आप वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आप उसे कहते हो जो शुरुआत में होती है, और फाइनल वेलोसिटी आप उसे कहते हो जो लास्ट में बन जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय बी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, एंड टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेलोसिटी विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट इज वाई एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए एक बात मैं क्लियर बता दूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तभी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकलता है। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, देन इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी विल बी जीरो। वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेलोसिटी तो एक यूनिफॉर्म रेट से भी चेंज हो सकती है और एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से भी चेंज हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए मेरी वेलोसिटी थी पहले 10, फिर हो गई 20, फिर हो गई 30, फिर हो गई 40, फिर हो गई 50। आपने देखा मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है। लेकिन क्योंकि मेरी वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट से चेंज हो रही है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, एक 10 की स्किप काउंटिंग चल रही है यहाँ पे, इसलिए इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड अगर मेरी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो, पहले मेरी वेलोसिटी थी 10,
फिर हो गई वो 15, फिर हो गई वो 30, फिर हो गई वो 40 और फिर हो गई वो 60। अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी फिक्स रेट से चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन फिक्स रेट से चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये रहा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यही होता है। अगर मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताऊँ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे आपने देखा इक्वल अमाउंट से मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हर बार 10, 10, 10 और 10 का यहाँ पे स्किप काउंटिंग चल रही है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये होता है कि इफ अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट्स इंक्रीज हो रही है, कभी 5 का इंक्रीमेंट है, कभी 15 का, कभी 10 का, कभी 20 का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो है कर्व्ड लाइन होती है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल समझना है तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टन हाइट से नीचे ड्रॉप करिए, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट से जब आप उसको नीचे ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है। तो इसलिए जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी एक फिक्स्ड रेट से इंक्रीज होती है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। अगर आप रोड पे ट्रैफिक की बात करें तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, क्योंकि कभी ट्रैफिक एकदम स्पीड में चलता है, कभी रुक जाता है, कभी स्लो चलता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि द मोशन ऑफ कार ऑन अ क्राउडेड रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ रिटार्डेशन क्या होता है। देखिए वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी फिक्स रेट से चेंज हो रही है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी अगर एक नॉन फिक्स रेट से चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जरूरी थोड़ी ना हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो आपने कहा ये एक्सेलरेशन है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, जैसे मान लो मैं आप उल्टा देखो, आप इसको 60 से 40, 40 से 30, 30 से 15, 15 से 10, यहाँ वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन तो कहलाएगा। ये एक्सेलरेशन नहीं, इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन कहते हैं। तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे आप अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होकर चेंज हो रही है तो वह एक्सेलरेशन है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होके चेंज हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आई होप आपको एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। मैं आपको नेगेटिव रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकलता है। एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी बार से। एवरेज वेलोसिटी को अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आने वाले लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होने वाली है। एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल परफॉर्म कराता हूँ। ये न्यूमेरिकल देखिएगा, अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब वो कह रहा है कि एक ड्राइवर था जिसकी गाड़ी पहले, वो ड्राइवर की गाड़ी पहले 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, बाद में उसकी गाड़ी की रफ्तार हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। बनी बात है 25 से 10 हुआ है मतलब उसने ब्रेक लगाया होगा,
अब ये 25 से 10 जो इसकी स्पीड कम हुई है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ब्रेक लगाने के बाद इसकी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 सेकंड का वक्त लग गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो देखिए, सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है इस न्यूमेरिकल में। पहले इस गाड़ी की, इस व्हीकल की स्पीड कितनी थी? पहले इसकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड। व्हीकल की जो पहले स्पीड होती है उसे हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल यू से, और हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। बाद में उस गाड़ी की वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। जो लास्ट में उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल वी से। फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 25 से 10 पर आने के लिए इसको टाइम जो लगा है, टाइम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, उसे टाइम लगा है 5 सेकेंड, है ना। और वो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। देखिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता रहा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आइए हम इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। वी की वैल्यू है 10, माइनस यू की वैल्यू है 25, टाइम है हमारा 5। ए इज इक्वल टू 10 माइनस 25 इज दैट माइनस 15 अपॉन 5। इसको आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो -3, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन है, ये डीसेलरेशन है। ये नेगेटिव में आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। क्वेश्चन में आपको दे भी रखा था कि पहले उसकी वेलोसिटी थी 25, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 10, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, इसलिए इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आया है। तो ये इसका आंसर है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाता तो मैं ये कहता कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देर आर टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमें इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का एग्जाम में डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन का मतलब होता है आपको बताना होता है कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे। तो हमें इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आता है, लेकिन डेरिवेशन भी 2 तरीके से आता है। एक होता है एनालिटिकली और एक होता है ग्राफिकली। तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले हम एनालिटिकली सॉल्व करेंगे और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको एनालिटिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ। आपको मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सेलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी को हमने ऐसे भी लिखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। अब हम क्या करेंगे, इस टी को उठा के इधर ले जाएंगे। अभी ये डिवाइड में, उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। टी का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ये जो माइनस का यू है आप इसको उठा के इधर ले आइए तो माइनस का यू इधर आके प्लस का यू हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए। ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए आराम से। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट होता है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू अपॉन टू। इसे हम इक्वेशन नंबर वन नाम देके छोड़ देंगे, इसको भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। मैंने आप लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला भी एक बताया था कि एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और टाइम अभी डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वेलोसिटी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखिए अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है, ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन then velocity is equals to average velocity। तो जैसा कि मैंने बताया अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो अब ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो अब क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी की जगह मेरे को क्या लिखना है, वेलोसिटी की जगह मुझे लिखना है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ये टाइम। अब हम इक्वेशन नंबर वन से एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v प्लस यू अपॉन टू, वो वैल्यू अपन यहाँ उठा के रख देंगे। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं v प्लस यू अपॉन टू, v प्लस यू अपॉन टू, और उसके बाद टाइम लिखना है, एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करना है हमें टाइम से, मतलब मल्टीप्लाई बाय t। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू, और इसके बाद मल्टीप्लाई करना है अपने को t से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम t से, u प्लस यू होता है टू यू, टू यू, और ये ए टी बचा प्लस ए टी अपॉन टू का मल्टीप्लाई हमें करना है टी से। अब देखिएगा ये जो टी है इसका मल्टीप्लाई मुझे टू यू से भी करना है और ए टी से भी करना है, तो अब मैं यही करने वाला हूँ, एस इस टू यू का मल्टीप्लाई भी मैं टी से करूँगा, तो ये हो जाएगा टू यू टी प्लस प्लस ए टी का मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है टू। अब ये टू इसके लिए भी तो अपन इनको अपन दोनों को दे देते हैं, तो ये टू यू टी के नीचे भी टू प्लस ए टी स्क्वायर के नीचे भी टू, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब मेरा लास्ट में कन्फ्यूजन निकलेगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हुई थी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में उससे पहले की दोनों फर्स्ट या सेकंड दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये प्लस का u इधर आके माइनस का u हो जाएगा v माइनस u, और a और t के बीच में मल्टीप्लिकेशन का टाइम सिंबल है, मतलब अगर a को इक्वल्स टू किस तरफ लाऊंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन नाम देके छोड़ दूंगा।
अब फर्स्ट यूज हो गई है, अब मैं पहले सेकंड यूज भी कर लेता हूं, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हमें करना क्या है, जहां जहां टी है वहां वहां हमें टी की ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है. तो आप देख सकते हैं यू मल्टीप्लाई बाय टी, तो टी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा. हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू ये रिप्लेस कर दूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन, एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय टी, टी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू अपॉन ए. तो यहां लिख दूंगा मैं वी माइनस यू अपॉन ए. फिर आपको ये प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, तो मैंने ये प्लस का सिंबल लगाया. फिर हाफ, तो ये हाफ. फिर मल्टीप्लाई बाय ए, तो मल्टीप्लाई बाय ए. फिर मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू रखेंगे वी माइनस यू अपॉन ए द होल स्क्वायर. अब होने क्या वाला है कि मल्टीप्लीकेशन जैसा कि आप जानते हैं सामने सामने होता है. यू का मल्टीप्लाई एक बार वी से होगा, फिर यू का मल्टीप्लाई माइनस यू से होगा. उसी तरीके से पहले मैं ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए दोनों के लिए, तो मैं दोनों को अलग अलग पिक कर दूंगा. तो देखिएगा S is equals to U multiply by V, U, V. U multiply by minus U square upon A plus half multiply by A multiply by V minus U के लिए भी square है, V minus U के लिए भी square है, upon A के लिए भी square है. एक A इधर है, A square नीचे है. तो अगर मैं इसको इससे cancel out करूँ तो नीचे एक A बचेगा. देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है. अब हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ. यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा. क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. यही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. यहाँ पे ए की वैल्यू वी है, बी की वैल्यू यू है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन ए. S is equals to UV minus U square upon A plus, अच्छा इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई वन से करूंगा तो यही नंबर आ जाएगा. तो मैं ये पूरा ऐसा कैसे रिपीट कर देता हूँ, V square plus U square minus 2UV upon 2 multiply by A, 2A. अच्छा अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल है और इधर एक टर्म है. अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. इन दोनों का एलसीएम आएगा 2a. तो हमने एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम आया 2a. अब आपको पता होगा इसके आगे कैसे सॉल्व होता है. आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का डिवाइड करना है और जो आएगा उसका उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2a का a से डिवाइड करूंगा. तो 2a का जब मैंने a से डिवाइड किया तो a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या 2. इस 2 का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय uv माइनस u स्क्वायर. फिर आपको ये प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, ये प्लस का सिंबल. वैसे ही अब जैसे आपने सेम ये काम किया अब यहाँ पे करेंगे, इसका डिवाइड इससे करेंगे. पहले हम 2a का डिवाइड किया 2a से, कैंसिल किया तो 1 बचा. इस 1 का मल्टीप्लाई मैं इसके न्यूमरेटर से करूंगा, यानी कि वही आ जाएगा पूरा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv. यहां तक आपको क्लियर हुआ. अब इसके आगे क्या होना है जरा ये ध्यान से देखने वाली चीज है. सबसे पहले तो आपने देखा ये कैसे इस 2 को ब्रैकेट के बाहर है, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा. तो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई यू वी, तो होगा 2uv. फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस यू स्क्वायर से, तो होगा माइनस का 2u स्क्वायर. फिर प्लस का v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर. और फिर नीचे बचेगा माइनस 2uv माइनस 2uv. और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2a. क्या आपको भी दिख रहा है ये प्लस के 2uv से माइनस का 2uv कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको मैंने कैंसिल कर दिया. अब जो मेरे पास बचा है मैं वो लिख देता हूँ, s इज इक्वल्स टू ये आपको v स्क्वायर दिख रहा है, v स्क्वायर ये वाला, ये v स्क्वायर लिखा. उसके बाद देखिए प्लस माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का यानी माइनस का सिंबल के साथ आएगा, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a. अभी 2a डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 2a का मल्टीप्लाई s से करेंगे तो हो जाएगा 2as.
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये माइनस के यू स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। और इसी के साथ अब हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन खत्म होता है एनालिटिकली। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकली, लेकिन उससे पहले हम कुछ ग्राफ बनाना सीखेंगे। मैं अब आपको कुछ ग्राफ सिखाता हूं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ग्राफ हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। उन दो क्वांटिटीज में से वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है उसे हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और वो क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती है हम पे उसे हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। पहला जो ग्राफ हम करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसा आप देख जानते हैं कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, नोबडी कैन कंट्रोल इट, तो इसलिए टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और डिस्टेंस हमारे हाथ में, हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, अगर हमारी डिस्टेंस स्पीड कम होगी तो हम कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसलिए डिस्टेंस हमारे हाथ में हम पे डिपेंडेंट है, इसलिए डिस्टेंस को मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। तो देखिए, जो पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड मिलती है, क्योंकि आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस और टाइम आपको दिया हुआ है, आप ये बात सब लोग जानते हैं कि इक्वेशन में अगर तीन चीज़ें हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसमें से आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो बनी बात है आप स्पीड निकाल सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकालते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व लाइन आ रही है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर यू आर ऑब्टेनिंग अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये पहला ग्राफ तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्राफ यूज होता है उसे मैं कहता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ अलग अलग तरीके के होते हैं। मैंने यहाँ पे तीन तरीके के स्पीड टाइम ग्राफ बना रखे हैं। स्पीड और टाइम ग्राफ तब जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, आपकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। देखिए, टाइम चेंज हो रहा हो लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही हो। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम पहले जीरो था, टाइम फिर मान लीजिए 5 मिनट हो गया, फिर 10 मिनट हो गया, फिर 15 मिनट हो गया, फिर 20 मिनट हो गया, लेकिन आपकी स्पीड कांस्टेंट है। आप पाँच मिनट हुआ था तब भी आपकी स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आ थी, 10 मिनट बाद भी आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है, और आप देख सकते हैं 15 और 20 मिनट बाद भी आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है। तो क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कहते हैं। ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर एक स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे टाइम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए ये एक्सेलरेशन दे रहा है। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं आप इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। कभी आपकी इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी देख सकते हैं आप, इस पॉइंट पे मान लीजिए आपकी वेलोसिटी कम थी, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई। तो क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन है। लेकिन इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं वेलोसिटी में चेंज है। देखिए, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई, फिर यहाँ पे वेलोसिटी और कम हुई, फिर यहाँ पे वेलोसिटी और कम हुई, ऐसे करके एक टाइम आके आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये ग्राफ आपको रिटार्डेशन बता रहा है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बता रहा है। अभी एक और चीज़ ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो वो हमेशा जीरो से इंक्रीज होकर स्टार्ट हो। ऐसा भी तो हो सकता है मेरी वेलोसिटी, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, दो केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि मैंने जब उस ऑब्जेक्ट को देखा तो पहले वो रुका हुआ था और फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, तो मेरे लिए वो ये वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा तब वो पहले से ही मोशन में था, जब मैंने उसको देखा पहले से ही मूव कर रहा था, और उसके बाद उसकी, तो जब मैंने उसको देखा तब वो रेस्ट पे नहीं था, पहले से वो कोई स्पीड पे था, और फिर उसकी धीमे धीमे करके वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पहले से वो कोई वेलोसिटी पे था, वो जीरो पे नहीं था। तो इसलिए ये वाला भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है, लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी यानी यू इक्वल्स टू जीरो नहीं है। तीसरा एक और ग्राफ यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है, स्पीड टाइम ग्राफ ये भी है,
लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म बताता है मोशन। और ये क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ आप देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी स्पीड लगातार इसकी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन बता रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, फिर कम 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 सबसे कम, तो ऐसे करके इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए ये रिटार्डेशन बता रहा है। और क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बता रहा है। ये जितने भी ग्राफ मैंने आपको सिखाए, इन ग्राफ में से हम अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला ग्राफ। ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल आपको परफॉर्म कराता हूँ। देखिए मैं एक न्यूमेरिकल निकाल के लाया हूँ। इस न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आप जानते हैं स्पीड और टाइम में से जो स्पीड होती है उसे हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो टाइम होता है उसे हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो जो ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें जो स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड में दी गई है, और जो टाइम है वो हमें सेकेंड्स में दिया गया है। हमें स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसमें जी तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। हमें ये बताना है, ये जैसे मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। उसने हमसे बोला है ओ से लेकर ए में कौन सा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है। आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो O से लेके A तक में लगातार इसकी जो स्पीड है, लगातार जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है, लगातार इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। तो O से लेके A तक में क्योंकि स्पीड में चेंज हो रहा है और इंक्रीज होके चेंज हो रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ O से लेके A में एक्सेलरेशन हो रहा है। ये A का आंसर हो जाएगा कि O से लेकर A में एक्सेलरेशन हो रहा है। उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। हमें बताना है ए टू बी में कैसा मोशन है। अगर आप ए टू बी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसी स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, ये इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इससे स्पीड चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर बार इसकी स्पीड चेंज सेम है। तो क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूँगा क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप इसे कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं बाय द वे। अगर सी वाले की बात करें तो सी में हमसे बोला गया है मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी से लेकर सी में इसका कैसा मोशन है। अगेन देखिए बी से लेकर सी में इसकी स्पीड जो है वो लगातार चेंज होती जा रही है, और इस बार डिक्रीज होके चेंज हो रही है। तो क्योंकि बी से लेकर सी में स्पीड में चेंज हो रहा है, डिक्रीज होके चेंज हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन है। तो हमारा सी का आंसर आएगा रिटार्डेशन। आप इसे डीसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो बोलना चाहे बोले। अब देखिए पॉइंट डी में वो मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखिए चाहे वो एक्सेलरेशन पूछे चाहे वो रिटार्डेशन पूछे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। देखिए आप, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। ओ से ए में एक्सेलरेशन हो रहा है और बी से सी में डीसेलरेशन हो रहा है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दीजिएगा। जैसे ही आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मान लेते हैं मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ई। तो आपको एक यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा ओ ए ई, राइट एंगल डेट ई। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इससे एक्सेलरेशन निकलता है। कुछ नहीं करना आपको, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है ए ई और बेस है ओ ई। आपको परपेंडिकुलर को और बेस को इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। डीसेलरेशन भी ऐसे निकलता है, इधर बी से लेके सी में डीसेलरेशन निकल रहा है तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस पॉइंट को मैं एफ नाम दे देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बी एफ सी, राइट एंगल डॉट एफ। इसमें भी अगर आपको डीसेलरेशन निकालना है तो आप इसका जो परपेंडिकुलर है जो कि इस केस में बी एफ है उसको आप उसके बेस से यानी कि एफ सी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। बस इस बार आप क्या माइनस में आंसर लिखेगा क्योंकि आपको पता है रिटार्डेशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। तो आइए मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस केस में मुझसे क्वेश्चन नंबर डी में बोला है आप एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखिए
एक्सेलरेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना रहता है। इस केस में जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, परपेंडिकुलर है पूरा ए से लेकर ई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस 0 कितना होता है 6, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है हमारी 6। और जो बेस की बात करें तो बेस की जो वैल्यू है, बेस इस समय है ओ ई, इसका भी निकालने के लिए बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस 0 होता है 4, आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन निकल रहा है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट जरूर लिखूंगा मैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन नंबर ई में बोला गया है रिटार्डेशन निकालिए। रिटार्डेशन बी से लेके सी में हो रहा है, अगेन हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करेंगे। तो देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर ई में हमें रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन को भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से करेंगे, बस इस बार आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है। इस बार परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा बी एफ। इसको निकालने के लिए अगेन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इधर बी एफ को अगर आप यहाँ से लेके यहाँ लेकर आए तो ये भी बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को आप माइनस करिए, 6 माइनस 0 ये भी 6 आ रहा है, यहाँ पे मैं 6 लिखा मैंने। और बेस की बात करें तो इस केस में बेस है एफ सी, एफ सी निकालने के लिए भी बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करना पड़ेगा, यानी 16 को 10 से माइनस करिए तो 16 माइनस 10 6 आएगा। इसको आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आ गया इसका रिटार्डेशन। अब क्वेश्चन नंबर एफ में वो मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए इसमें उसने ए से लेकर बी तक में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ए टू बी। अगर आप ग्राफ को देखें तो वो बोल रहा है मुझसे ए टू बी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इसमें मुझे पता है क्या करना है, अगर आपसे ए टू बी में पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो ए बी के नीचे जितना है उसका एरिया निकाल लीजिए। ए बी के नीचे ये वाला पोर्शन है, ए बी के नीचे ये वाला पोर्शन है, मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लूंगा। बेसिकली एक रेक्टेंगल है ए बी एफ ई, इसका आप अगर एरिया निकाल लेंगे तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना रहता है, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए उसका एरिया निकालना रहता है। अब यहाँ पे एरिया निकलेगा, उसने क्योंकि मुझसे डिस्टेंस पूछी है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एफ वाले में मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, इसके लिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी, ए बी के नीचे ये वाला एरिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर आप यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करें तो आप देख सकते हैं पहले तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हम इधर आएंगे, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 6 होता है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा। उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है ई एफ, तो उसके लिए भी बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 6 होता है, यहाँ पे आएगा 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 36। और क्योंकि आप अब ये मत समझिएगा कि एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, नहीं, आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। उसके बाद उसने मुझसे बोला है, लास्ट इस क्वेश्चन का पॉइंट है, पॉइंट नंबर जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी। अब हमें बताना है बी टू सी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। देखिए बी टू सी की अगर आप बात करें तो अब आपको बी टू सी के नीचे जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अब आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ सी, अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। अगर मेरे को बी टू सी चेक करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, अगेन यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन बी टू सी, इसके लिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ ट्राइंगल। इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, बी एफ सी, बी एफ सी। बताइए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इधर हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बेस है एफ सी
और एफ सी की वैल्यू निकालने के लिए बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से हम माइनस कर देंगे, 16 माइनस 10 होता है 6, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है इसकी ये बी एफ, बी एफ की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर आएंगे, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अगर आप इसको 2 वन ज़ा 2 और यहाँ पे इसको काट दें, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, और क्योंकि अगेन आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसके लिए इसका आंसर भी मीटर में आएगा। और इसके साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी ख़त्म होता है, ये वाला आपका न्यूमेरिकल भी अब ख़त्म होता है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। आपने ये ग्राफ देखा होगा पहले भी, मैं जब आपको ग्राफ समझा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि ये वाला ग्राफ ही हम हर बार यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो देखिए, इस ग्राफ में इस बॉडी की ओ से लेकर ए, ये इसकी पहले वेलोसिटी थी, मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो आप इसको यू कह सकते हो। और ये जो बाद में इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ से लेकर ये बी में, ए से लेकर बी में जो लास्ट में जो ये इसकी वेलोसिटी होगी ये वाली, इसे आप वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी कह सकते हो। और इसको ए से लेके बी तक जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है उसको मैं टी बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे एम पॉइंट दे देता हूँ और मैं यहाँ पे एन नाम दे देता हूँ। इस वाले पॉइंट को एम दे दिया और इस वाले पॉइंट को एन नाम दे दिया। अब देखिए, बहुत सिंपल है इसको डिराइव करना, बस एक बार में आप देख समझिएगा कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी एन, बी एन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी एन इज इक्वल्स टू बी एम प्लस एम एन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ये बी एम को मैं बी एम प्लस एम एन लिख सकता हूँ? इन दोनों टुकड़ों को जोड़ूंगा तो बी एन बन जाएगा। आपको पता है बी एन की पूरे की वैल्यू, बी से लेकर एन की जो पूरे की वैल्यू है वो क्या है, वो है वी। तो मैं यहाँ बी एन की जो वैल्यू है उसको मैं वी लिख दूंगा, बी एम को तो मैं बी एम ही रहने दूंगा। लेकिन अगर आप एम एन की बात करें, क्या मैं एम एन को यहाँ पे ओ ए लिख सकता हूँ? एम एन को ओ ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एम एन को मैं ओ ए लिख दूंगा। अब आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओ से लेके ए जो थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, पहले जो उसकी वेलोसिटी थी। तो मैं अब अगली स्टेप में क्या करूँगा, अगली स्टेप में मैं ओ ए को ओ ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, ओ ए की वैल्यू है यू। इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देके छोड़ देंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे ए आता है। अभी तक मुझे v मिल गया है, u मिल गया है, लेकिन a का कोई नामो निशान नहीं है। बाय द वे टी भी नहीं है, लेकिन a तो अभी सबसे पहले मैं देखूँ a कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, इफ़ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन बाय यूजिंग अ ग्राफ देन यू नीड टू डिवाइड परपेंडिकुलर एंड बेस। इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ए से बी में हो रहा है, क्योंकि ए से बी में ही आपकी वेलोसिटी देखिए लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं इसका अगर परपेंडिकुलर और बेस का डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। इसका परपेंडिकुलर है बी एम और बेस है ए एम, तो आइए मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर का मैं बेस से डिवाइड कर देता हूँ ए एम से। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी एम की वैल्यू मुझे अगेन अभी भी नहीं मालूम है, पहले भी कहाँ पता थी, देखिए यहाँ पे भी बी एम लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ए एम की बात करें तो ए एम की जगह क्या मैं ओ एन लिख सकता हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ए एम की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन ओ एन की वैल्यू मुझे मालूम है कि उसकी वैल्यू क्या है, टी है उसकी वैल्यू। तो इसलिए मैं ए एम की जगह ओ एन लिख दूंगा क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे ओ एन लिखा, ए इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन ओ एन की वैल्यू जो थी वो थी टी, तो मैं यहाँ पे टी रख दूंगा। यहाँ से अभी जो टी है वो अभी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से बी एम की वैल्यू निकल के आएगी, बी एम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई टी ए टी। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यह जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस बी एम की वैल्यू क्या है, बी एम की वैल्यू है ए टी। जी हाँ, आप सही समझे हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अभी आपने देखा कैसे मैंने ग्राफ को यूज करके भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर दिया है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को अगर आप ग्राफ से डिराइव करना चाहते हैं, अगेन आपको वही वाला न्यूमेरिक वही वाला ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। इस ग्राफ में ये ओ से लेकर ए तक जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी यू, और यहाँ पे हमने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ऐसा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था पिछली बार, और हमने इस वाले पॉइंट को एम नाम दिया था और इस वाले पॉइंट को एन नाम दिया था। इस वाले को तो मैंने आपको बताया था कि बी से लेकर एन, अगर ओ से लेकर ए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये पूरी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाने में टाइम जो लगा है वो लगा है टी। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इसका पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, इस पूरे का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप ध्यान से अगर देखें तो ये एक ट्रेपेजियम है, ओ ए बी एन, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ना लगाते हुए आप इसका एरिया पता है कैसे निकालेंगे? आप पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ये ओ ए एम एन, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ए बी एम, और इन दोनों के एरिया को आप ऐड कर देंगे तो ये ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। आप बोलेंगे हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि मैं आपको वो अभी आगे बताऊंगा कि उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेंगे। तो आप इसलिए सिर्फ अभी यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्राइंगल के दोनों के इंडिविजुअल एरियाज निकालिए और उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आइए पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ए बी एम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिएगा ये बेस है ए एम और हाइट है बी एम, तो अगर आप बेस की बात करें तो बेस की वैल्यू है हमारे पास ए एम और हाइट की वैल्यू है हमारे पास बी एम, तो हाइट लिख देता हूं मैं बी मल्टी बी एम। अगर आप ए एम को ध्यान से देखें तो जो ए एम है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर आप ए एम की जगह ओ एन लिख दें तो मैं आपको बता चुका था कि जो ओ से लेके एन होता है वो होता है टाइम। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे ओ एन को लिख देंगे हाफ, ए एम की जगह लिख दूंगा मैं ओ एन, क्योंकि ए एम और ओ एन इक्वल भी है। अब अगर बी एम की बात करें तो पिछली बार भी हमारे पास बी एम नहीं था, आपने यहाँ देखा था पिछली बार भी बी एम नहीं था, लेकिन हमने बी एम कैलकुलेट किया था, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया था तो हमारा बी एम निकल के आ गया था। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम इसको बी एम को बी एम ही रहने देंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं अपन ये काम। अब यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। अगर इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है हमारा बी एम और बेस है हमारा ए एम। ए एम ए इज इक्वल टू बी एम और ए एम की जगह मैं लिखूंगा ओ एन और ओ एन की वैल्यू होती है टी। देखिए ओ एन की वैल्यू होती है टी, तो अब मैं ए एम की जगह ओ एन लिखूंगा और अगली स्टेप में बी एम अपॉन ओ एन की जो वैल्यू है, ओ एन की जो वैल्यू है ओ से लेके एन टी, वो एन की वैल्यू टी रख दूंगा। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से बी एम की वैल्यू निकल के आएगी, जो टी है उसको आप उधर भेज दीजिए तो ए मल्टीप्लाई बाई टी ए टी निकल के आ जाएगा। अब हम ये वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए शुरू करते हैं हम कैसे ही होगा। ये हो जाएगा हाफ ओ एन, ओ एन की वैल्यू कितनी है टी, तो यहाँ पे टी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी एम की वैल्यू कितनी है ए टी, तो इसको ए टी लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हाफ ए टी मल्टीप्लाई बाई टी होता है ए टी स्क्वायर, है ना, ए टी मल्टीप्लाई बाई टी ए टी स्क्वायर। ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए एम एन, तो शुरू करते हैं हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए एम एन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए एम एन, इसके लिए मैं क्या करूँगा ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ एन करूँगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर आप ओ ए की बात करें तो ये इसकी पहले वेलोसिटी थी, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो ओ ए की वैल्यू हमें दे रखी है यू और ओ एन की वैल्यू हमारे पास है टी, मतलब वैल्यू आ गई यू टी। अब अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आप टोटल डिस्टेंस
कि अगर आप बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल के एरिया जो ट्राइंगल का जो एरिया आया है उसको हम रेक्टेंगल के एरिया से ऐड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है। बताइए ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, ट्राइंगल का एरिया आया था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। और रेक्टेंगल का एरिया कितना है, यू मल्टीप्लाई बाई टी यानी कि यू टी। और डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या कहते हैं, एस। इसको अगर आप रीशफल करें तो ये हो जाएगा एस यू टी को हम आगे लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे सेकेंड इक्वेशन यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, माफ़ कीजिएगा। अब आपको समझ में आएगा कैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली डिराइव कर सकते हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना आपको सिखाते हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। देखिए जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि आप उसमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाती है। तो इसलिए हम आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फॉर्मूले को रोक के रखा हुआ था। अब हम लोग इस फॉर्मूले में सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे और देखिएगा कितनी आसानी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम जिसे हम हाइट कहते हैं डिवाइडेड बाय टू। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है ओ ए और एक है बी एन, ये दोनों साइड्स पैरेलल है ओ ए और बी एन। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, सम करना है इसलिए ओ ए प्लस बी एन इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, आप इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है ओ एन, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी ओ एन डिवाइडेड बाई टू। अच्छा आपको पता है ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू यू है, तो हम वैल्यू भी सब्सिट्यूट कर देते हैं, यू प्लस बी एन की वैल्यू कितनी है वी, ओ एन की वैल्यू कितनी है टी, और डिवाइड करना है टू से। बाय द वे एरिया निकालने से डिस्टेंस निकलती है और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से। इसे आप इक्वेशन नंबर वन नाम देके छोड़ दीजिए, ये तो सभी कर लेते हैं, इसके बाद एक ट्रिकी पोर्शन है जो आपको याद रखना है कि वो कैसे होता है। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी तो मैं वही यूज करूंगा अभी यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से t की वैल्यू निकल के आएगी v, ये प्लस का u इधर आके माइनस का u, माइनस u, और जो a अभी मल्टीप्लीकेशन में नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आप टी में यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ टी लिखा हुआ है ये टी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन हमारी क्या है, इक्वेशन वन है एस, एस इज इक्वल्स टू, अच्छा यू प्लस वी को क्या मैं वी प्लस यू लिख सकता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, तो मैंने यू प्लस वी को वी प्लस यू लिख दिया है अपॉन टू। और ये जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू में ये वाली वैल्यू पुट करूंगा v माइनस यू अपॉन ए। अब हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 2a हो जाता है। ये भी डिवाइड में इसको इधर लिया ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप इस यू स्क्वायर को उठा के इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ये है हमारी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहीं पर हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन भी खत्म होता है। देखिए एग्जाम में या तो आपसे बोलेंगे ग्राफिकली डिराइव करिए, या तो आपसे बोलेंगे एनालिटिकली डिराइव करिए, और अगर वो आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं वो सिर्फ ये कह रहे हैं डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड को यूज करके डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस मूविंग ट्रेन को रेस्ट पे आ गई है। देखिए अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है,
लेकिन अगर कोई चीज़ रेस्ट पे आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे इस मूविंग ट्रेन के बारे में बताया गया कि मूविंग ट्रेन रेस्ट पर आ गई है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जीरो हो चुकी है। अच्छा, उसको रेस्ट पे आने पर 20 सेकंड का वक्त लगा है। आपको बताना है कि अगर उसको रेस्ट पे आने पे 20 सेकंड का वक्त लगा है तो उसकी शुरुआत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रही होगी। अच्छा, उसने आपको रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, रिटार्डेशन दिया है, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है, बस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिटार्डेशन होता है। अब आपको यहाँ पे वी दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है, और आपसे वो यू पूछ रहा है, क्या बताइए यू क्या होगा। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ s। मैं ये वाली और ये वाली इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों में s है, ना हमें s दिया हुआ है ना हमसे s निकाला जा रहा है, तो इसलिए हम सेकेंड और थर्ड को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू हमें जीरो दे रखी है, देखिए v की वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो लिखूंगा, u नहीं मालूम वही हमें निकालना है तो u को u ही रहने देंगे। a की वैल्यू है माइनस टू का मल्टीप्लाई करना है टाइम से जो कि दे रखा है 20, मतलब जीरो इज इक्वल्स टू यू प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू होता है -40। अब ये जीरो इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस, यहाँ पे ये प्लस होनी है माइनस 40 हो जाएगा, ये माइनस के 40 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 40 हो जाएगा, मतलब यू की वैल्यू हो जाएगी 40। यू इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी की ऐसी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर आएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकंड, तो चलिए मैं सबसे पहले गिवन लिख देता हूँ। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाय द वे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये डेटा दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन होता है और यहाँ पे साफ साफ कहा भी गया है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी को चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन जो बोलना चाहे। तो बेसिकली आपको रिटार्डेशन दे रखा है 0.05, मतलब ए की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस का 0.05, क्यों ए माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन है। हमें बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, अगेन इस बॉडी को स्टॉप करना है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि आगे जाके एक फाइनली ये बॉडी स्टॉप होने वाली है। हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को रुकने में, कितने टाइम में ये बॉडी हमारी रुक जाएगी, तो टाइम हमें निकालना है। अगेन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ s। इसमें से ये वाली और ये वाली इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि इन दोनों में s आ रहा है। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं फिर से, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, यही होता है। v की वैल्यू हमारी जीरो दे रखी है, इस बार u की वैल्यू दी हुई है 0.5 प्लस a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.5, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का 0.05 और टाइम हमारा है, हमारे पास टाइम कितना लगा हमें यही पता करना है, तो इसलिए टाइम को हम t ही रहने देंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्लस के 0.5 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस का 0.05 मल्टीप्लाई बाय t। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो मैं ये वाली टर्म को उठा के जब इधर आऊँगा तो वो डिवाइड में होगा, माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू और इक्वल्स टू के उस तरफ यानी राइट हैंड साइड में है टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो पीछे दो डिजिट है तो इसलिए ऊपर दो जीरो लगेंगे। एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, फाइव से फाइव को हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर बचता है सिर्फ और सिर्फ ये वाला 10, मतलब हमारा टाइम हो जाएगा 10। टाइम को हम सेकंड्स में निकालते हैं इसलिए टाइम 10 सेकंड्स निकल गया है।
अब हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। अब एक कार है जो पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, जो पहले उसकी वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो मैं गिवन में लिख दूंगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 20 से 60 की इसकी वेलोसिटी को होने में जो टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकंड्स। टाइम लगा है हमें कितना, 6 सेकंड्स। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर में होना आपके लिए खतरे का साइन है। इसको आप सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप उसका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ भी मैं ऐसे ही करूँगा, जो 60 है उसका मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 25/100/18 मीटर पर सेकंड, और ये फाइनल वेलोसिटी होगी 6/30 यानी 300/18 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ये है हमारी, फाइनल वेलोसिटी ये है हमारी, और टाइम जो लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। अगेन इसमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें एस ना दिया हुआ है ना पूछ रहा है, तो मैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 300/18, u की वैल्यू कितनी है 100/18 प्लस a मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, टाइम कितना था हमारे पास, टाइम था 6 सेकंड, तो टाइम को हम लिखेंगे 6। ये प्लस का 100/18 इधर आके माइनस का 100/18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/18 माइनस 100/18 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों का एलसीएम 18 आ रहा है और 300 माइनस 100 200 हो रहा है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कट रहा है हमारा 100 और ये 9, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 है, अभी ये मल्टीप्लाई में इसको मैं डिवाइड में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 100 ऊपर यहाँ पे जो ये 100 बचा है ये वाला 100 अपॉन 9, और जो ये वाला 6 है ये 9 के साथ नीचे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 6 यहाँ पे ऐसा आएगा। अभी ये दोनों फिर 2 से कट रहा है तो मैं इसको 250 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा 50/3 9 27 इज इक्वल टू ए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1.85, क्योंकि ए एक्सेलरेशन होगा, उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए ये इसका। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं, और जब वो सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड घट रही है, वो सेम स्पीड से सर्कुलर पाथ में अपने ट्रैक में मूव करता है, तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसा आपने देखा होगा हमारे अर्थ के इर्द गिर्द बहुत सारी सैटेलाइट्स चक्कर काटती हैं, वो सारी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती हैं। अर्थ खुद एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल पेश करती है। आपने देखा होगा अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, तो अर्थ भी एक सेम स्पीड से अर्थ भी सन के चक्कर काटती है, और इसलिए अर्थ की रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ वाला जो मूवमेंट है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। या फिर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, आप अगर क्लॉक के हैंड्स देखें तो वो भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करते हैं, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल समझने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का निकाल के लाया हूँ। ये कह रहा है अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। वो कह रहा है कि एक चक्कर काटने में साइक्लिस्ट को इस ट्रैक का पूरा एक चक्कर काटने में 2 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर। इसका रेडियस दे रखा है 105 मीटर का इसका रेडियस है। हमें निकालना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इस केस में अगर वो यहाँ से शुरू करके वापस से यहाँ पे आता है तो वो जो ट्रैक कवर कर रहा है यानी वो सर्कल के पेरीमीटर पे यानी उसके सर्कमफेरेंस पे ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस की जगह मैं सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करूँगा 2πr, ये इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, और उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम, यहाँ पे हम उसकी स्पीड निकल रही है। बाय द वे आपको मैंने पिछले न्यूमेरिकल में ये बात बताई थी कि अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो उनका मीटर पर सेकंड में होना कंपलसरी है, डिस्टेंस का मीटर में होना ज़रूरी है और टाइम का सेकंड में होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट करें, यहाँ पे टाइम मिनट में दे रखा है इसको मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे टाइम दे रखा है टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 मिनट्स, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सेकेंड्स में हो जाएगा, 2 × 60 होता है 120 सेकेंड्स, ये मेरा टाइम कन्वर्ट हो गया है सेकंड्स में, अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। पाई की वैल्यू इसने मुझे बोली है 22/7 यूज़ करने के लिए, तो देखिए v इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 रेडियस दे रखा है 105, ये रेडियस की वैल्यू है 105 और नीचे जो टाइम है हमारा टाइम अभी अभी निकल के आया है 120 सेकेंड, तो मैं टाइम की जगह लिख दूंगा 120। अब इसको हमें सॉल्व करना है कैसे कटेगा, देखिए सबसे पहले ये दोनों कट रहे हैं 7 × 7, 7 × 7, 7 × 5 = 35। अब और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 11 और इसको मैं लिख सकता हूँ 60 times, है ना। मैं फिर इसको 2 × 2 और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0, ये 15 × 15, ये 15 × 2 = 0, मतलब अब हमारा ऊपर ये वाला 11 बचा है और नीचे ये वाला 2 बचा है 11/2। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड है इस अगर वो साइकिलिस्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर मोशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।